हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। ह्यूमन राइट्स डिवेलप्ड एज अ कंसेप्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार एक कंसेप्ट के रूप में डिवेलप हुआ। The Geneva Convention on Human Rights declared them to fundamental rights. Geneva Convention ने मानव अधिकार को डिक्लेयर किया कि ये मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। The signatories of the Geneva Convention have to strictly stick to the universal principle of human rights, irrespective of individual attributes. जो लोग भी साइन करने वाले थे जिनेवा कन्वेंशन को, वो सभी देश सख्ती से चिपके रहेंगे, स्ट्रिक्टली स्टिक टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं मानव अधिकार के, उनसे उन पर डटे रहेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, उसमें व्यक्ति विशेष का क्या गुण है उस पर निर्भर नहीं करेगा कुछ भी। It is the basic assumption of the UNO that these rights are the foundation of freedom, justice and peace in the world. UNO, United Nation Organization का ये basic assumption है, यानी उनका ऐसा मानना है कि ये जो अधिकार हैं यही नींव हैं, foundation हैं freedom के, आज़ादी के, justice यानी न्याय के और peace यानी शांति के दुनिया में। ऐसा उनके प्रीएम्बल में लिखा है, यानी जो उनकी बुक है उसके फर्स्ट पेज पर लिखा है। अकॉर्डिंग टू द यूएन एवरी कंट्री हैज़ टू एंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन्स आर गिवन ह्यूमन राइट्स। यूएन के अनुसार हर देश को ये निश्चित करना होगा कि उनके सभी सिटीजन्स को, नागरिकों को मानव अधिकार मिलेंगे। It is Eleanor Roosevelt who is credited for developing human rights as a part of the charter of the UN. Eleanor Roosevelt को ये credit जाता है कि उन्होंने human rights को UN के charter में शामिल किया और develop किया। The human rights are those rights, मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं, to which every man and woman, जिसमें हर आदमी और औरत, inhabiting anywhere in the world, जो रह रहे हों दुनिया में कहीं भी, should be deemed entitled by virtue of having been born a human being. उन्हें माना जाए कि उनके अंदर ये गुण हैं कि वो एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। यानी ये अधिकार सभी के लिए है, चाहे आदमी हो या औरत हो या फिर वो दुनिया में कहीं पर भी रहते हों, यदि वो एक इंसान के रूप में जन्मे हैं तो उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। Human rights constitute the necessary rights to which every individual is entitled to. मानव अधिकार के अंदर वो necessary अधिकार आते हैं, वो अधिकार आते हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष के पास में होने चाहिए। There are no privileges in possessing these rights. इनमें कोई भी विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आदमियों को ज़्यादा अधिकार है और औरतों को कम है, या फिर गोरे लोगों को अधिक अधिकार है और कोई किसी को आप गुलाम बना सकते हो। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी को प्रिविलेज नहीं है यानी विशेषाधिकार नहीं है। विमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। औरतें, बच्चे और समाज का कमज़ोर वर्ग, ये अक्सर पीड़ित होते हैं भेदभाव को लेकर और मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर। ह्यूमन राइट्स हैव बीन पुट इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल राइट्स एंड सिविल राइट्स। मानव अधिकार को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल राइट्स और सिविल राइट्स। राइट्स जो पहली कैटेगरी में आते हैं उनमें क्या क्या आता है देखते हैं हम। Rights under the first category include right to fulfillment of basic human needs like food, shelter, clothing, health and sanitation, earning one's livelihood and the like. इसमें पहली चीज़ आती है कि जो इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, शेल्टर यानी उसको घर मिलनी चाहिए, छत होना चाहिए और कपड़े, स्वास्थ्य, सैनिटेशन यानी साफ सफाई और अपनी आजीविका को कमाना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ओके,
सेकेंड कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स कंप्राइजेज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो इसकी दूसरी कैटेगरी है उसमें आता है बोलने का अधिकार, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, और आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास अधिकार हैं, और आपके पास शिक्षा के भी अधिकार हैं, शिक्षा पाना सबका मूलभूत अधिकार है। दस 10th डे ऑफ दिसंबर एवरी ईयर इज बीइंग सेरेमोनियसली ऑब्जर्व्ड एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे। इसीलिए दिसंबर की 10 तारीख को हर साल मनाया जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, जिस दिन पूरी दुनिया में एक साथ मानव अधिकार की घोषणा की गई थी और उसे ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रॉम द एंशियंट डेज, प्राचीन काल से इंडिया हैज़ बीन कमिटेड टू द आइडियल्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्राचीन समय से ही भारत कमिटेड रहा है उन आदर्शों और सिद्धांतों के ऊपर जो मानवाधिकार के हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 29 सितंबर 1993। भारत का पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन आयोग बना था 29 सितंबर 1993 में। देयर हैव बीन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के पूरी दुनिया में। सच कंप्लेंट इंक्लूड द टॉर्चर ऑफ कैप्टिव्स एंड द मिसट्रीटमेंट ऑफ देयर सिटीजन्स इन डिफरेंट वेज। ऐसी जो शिकायतें हैं उसमें आता है कि किस तरीके से जो कैप्टिव हैं, यानी कि जो जेल में जिन्हें कैद बनाया हुआ है, जो कैदी हैं, उनके ऊपर कैसे टॉर्चर होता है और कैसे नागरिकों का के साथ मिसट्रीटमेंट होता है अलग अलग तरीके से। इट हैज़ ऑल्सो टेकन सेवरल अदर फॉर्म्स। इसमें और भी कई दूसरे उदाहरण आते हैं, जैसे कि मर्डर यानी हत्या, रेप यानी बलात्कार, प्रॉस्टिट्यूशन यानी कि ज़बरदस्ती किसी को वेश्यावृत्ति के अंदर लेकर आना, चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, इसमें बाल जो श्रम है या बंधुआ मजदूर जो होते हैं वो भी आते हैं, राइट विक्टिमाइजेशन, दंगों के अंदर पीड़ित लोग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है अगर यौन शोषण होता है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा, टेररिस्ट अटैक, आतंकवादियों के द्वारा हमला, फेक एनकाउंटर, पुलिस के द्वारा या आर्मी के द्वारा झूठा किसी को मार देना, कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक हिंसा, लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी चली जाए, उनको जान माल का खतरा हो, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, बेरोजगारी, गरीबी, इलिटरेसी, असाक्षरता, एथनिक हैट्रेड यानी किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से नफरत, जीनोसाइड इंसानों को मारना, ग्रुप एंड कास्ट राइवलरी, जातिगत आपस में दुश्मनी, राइवलरी यानी दुश्मनी, स्टारवेशन डेथ, भुखमरी, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत और सामाजिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, आदमी और औरत के अंदर भेदभाव, डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, पुलिस के द्वारा कस्टडी में कोई मौत हो जाना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड एक्सेसिव स्टेट एक्शन, इसमें जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनका शोषण, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में खुद कश्मीरी पंडितों के साथ में टेररिज्म हुआ, आतंक हुआ, लूट हुआ, लूट एक अंग्रेजी शब्द है LOOT, है ना, रेप यानी उनका बलात्कार हुआ, किलिंग्स, उन्हें मारा गया, एंड डिस्प्लेसमेंट, उनको अपने स्थानों से हटा दिया गया कई सालों तक, बट किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कदम नहीं उठाया, कोई आगे नहीं आया, किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्हें बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी। इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। पूरी दुनिया में जब भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ उसके ऊपर जांच करती है।
इन अ डेमोक्रेसी पीपल इंजॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक लोकतंत्र में लोग सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का फ़ायदा ले पाते हैं। बट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। लिबर्टी नेवर मीन्स लाइसेंस, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई गलत काम करने का लाइसेंस मिल जाए। आई होप ये लाइन्स आपको समझ में आई होंगी और इनकी मदद से आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे या एक अच्छी स्पीच दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।